जिसे तुम चांद कहते हो, खिलौना है मोहम्मद का, जिसे तुम चांद कहते हो, खिलौना है मोहम्मद का। आइए हजरत अलाउद्दीन के हवाले से चार मिसरे पढ़ते हैं, समाप्त फरमाएं। के अमन बांटने वाले अमन के पसंद वाले अमन बांटने वाले अमन के पसंद वाले चिश्ती कादरी भी है और नक्शबंद वाले के आज आ नहीं सकती आज आ नहीं सकती दीन हक पे आली जब तलक भी है जिंदा मेरे देवबंद वाले जब तलक भी है जिंदा मेरे देवबंद वाले। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्मी दौले से माला माल फरमाए। अब मैं एक बहुत ही छोटे जो बच्चे को आजीज साहब मोहम्मद हनान हाफिज मोहम्मद हनान साहब को दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ लाए। देख ले कितना अच्छा जूम हो रहा है इसका। हाफिज मोहम्मद हनान साहब नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है हुआ तो क्या होगा। ये वो खुदा की कसम
माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस छोटे से मासूम बच्चे के वालिदैन को कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे को अल्लाह का मुकद्दस कलाम हिफ्ज़ कराया। देखने में छोटा सा मासूम बच्चा है, ये पूरा आज का कुरान है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको बहुत बड़ा आलिम बनाए, आलिम बामाल बनाए। अब मैं अजीजा मोहम्मद अमजद जो कि ताजमहल में आपके इसी मुद्दम साहब के, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि हाफिज मोहम्मद अमजद साहब तशरीफ लाए और तकरीर पेश करें। आज जितने भी हमारे फरमाए करम तशरीफ ला चुके हैं वो बराह करम, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जो भी हमारे फरमाए करम में ज़रा तशरीफ फरमाए हैं वो बराह करम वो तशरीफ लाए स्टेज पर। और जो हजरात हमारे भाई बाहर से आए थे मेहमान इधर आना घूम रहे हैं या रास्ते में सड़कों पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर रास्ते में तुम ना खड़े होए बल्कि अंदर पिंडाल में काफी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, वो पिंडाल के अंदर आगे बैठ जाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہمیں دنیا سے کیا مطلب मदरसा है वतन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर वर्द होगा कफन अपना। मोहतरम सामईन इकराम आज की मजलिस में मैं आप हजरात के रूबरू मदरसे की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि बगौर समाज फरमाएंगे।